आप देख सकते हो जैसे हमारी बग्गी का इंजन वापस से अपडेट करना पड़ा, जैसे अभी चालू है काम और इसकी बॉडी थोड़ा अलाइनमेंट की आउट है, तो अलाइनमेंट वापस करना है हम लोग को। और इंजन आप देख सकते हो उतारने के लिए दो लोग लग रहे हैं और अभी कम्प्लीटली उतर चुका है। बस हो गया भाई, अब देख सकते हैं बग्गी में चैन लगाया जा रहा है। जैसे कि गाइस देख सकते हो अभी हम लोग ने एक्सल बना के लाए हैं और चैन स्पॉकेट हमने लगाया है इसमें, और उसके बाद में अभी एक्सल फिटिंग करेंगे कम्प्लीटली। तो मैं यहाँ पकड़ता हूँ एक्सल फिटिंग करके, उसके बाद में इंजन चढ़ाएंगे। चैन स्पॉकेट इसमें हो गया है और इंजन चढ़ा के फिर चैन स्पॉकेट एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पर। और बेल्ट क्योंकि बार बार टूट जा रहा था इसलिए हमने अभी इसमें चैन लगाया है ताकि कंप्लीट हो। इस तरफ का एक्सल फंस गया है अभी हमें इस तरफ लगाना है। और इसमें मैंने 220 का चैन स्पॉकेट अल्टर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। होल मैच हो गया है, नट फंसाना है इसके बाद हमें वाइसर भी था ना ढूंढ के ला रहे। ऐसे चलेगा ये देख, वही है वही पर नहीं। मैं तो पहले काम करना, पहले उधर निकल जाना हाजी मल्ले की पहाड़ी पर, जब बहन हो जाएगी ना जब उधर से जाके फेंकेगी उठा के। एक्सेल हो गया टाइट, अभी इसका हाइट बढ़ाने के लिए हमें इसका टायर और कर बड़ा करना है, और सस्पेंशन के लिए भी देखना है, और ब्रेक सिस्टम सब जो है ये नीचे करना है, और भी सब काम है अभी धीरे धीरे करेंगे, काफ़ी टाइम हो जाए। जैसे कि आप देख सकते इसकी बॉडी चढ़ गई थी तो नया पत्रा डाल रहे हैं हम लोग, इसको ग्राइंडर से कटिंग किया जा रहा है, बग्गी के काम चालू है।
हो गया, उसके नीचे रखा ना थोड़े भी। ये एंगल निकालना इसलिए पड़ा क्योंकि वो इंजन पीछे लेना है और चलती थोड़ा बाहर करना है, इसलिए वो कटिंग करके निकालना पड़ा एंगल। जैसे अभी हमें सीधा करना हो रहा है, आप देख सकते हैं पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम लोग इंजन लगा रहे हैं, देख सकते हैं इसका पुली हम लोग ने बनाया है अभी 220 का है और उसका ड्रम कटिंग करके उसमें से जो उसका मीनिंग है एक्सेल का वो निकाल के और चेन पुली बनाया है अभी। वाइसर लेगा